एग्जाम है, अगर किसी को कोई वो है इमीडिएट रिक्वायरमेंट, प्रथम गुड इवनिंग, तो मुझे बता दो, देन आई विल टेक दैट। गुड अगर इवनिंग कोई सर। सर इमीडिएट नहीं है कि भाई सर इमरजेंसी नहीं है सर कोई, हाँ सात्विक प्रथम, हाय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ऑल वेल इन पटना? नहीं सर, मैं वापस आ गया कल। अरे चलो, तो बहुत खुशी की बात है। तो यस सर। ओके राइट गाइस, सो लाइक आई सेड, केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री कह रहा हूँ, एसएसटी, एंड टुडे लेट्स डू द रिवीजन चैप्टर वन। अगर किसी को कुछ चाहिए कि नहीं सर मेरा एग्जाम है, मेरा टेस्ट है, मेरा ये है वो है, तो मुझे बता दो, मैं अकोमोडेट करूंगा। बट अभी डीपीएस वालों का, इन तीन लोगों का एग्जाम है, तो उसको देखते हुए आज मैं सोच रहा हूँ एसएसटी में हिस्ट्री चैप्टर कर लेते हैं, रिव्यू एंड रिविजन, क्लास 10 एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 1। व्हाट इज हिस्ट्री चैप्टर 1? नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा नोट शेयर करूं। सर प्री बोर्ड्स में इंडिया आ रहा है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया। इनका तो डीपीएस का तो नहीं, ये यूवेंटस है टर्म 1 में, सर सॉरी, जो जो बोर्ड्स गौर टर्म जो वन में। यस सीबीएसई, सर। नहीं, देख सुन भाई, प्री बोर्ड की बात कर रहा, प्री बोर्ड तो खत्म हो गए होंगे अभी नहीं सर, तक, सर बोर्ड मतलब टर्म 1। बोर्ड बोलना फिर। हाँ, बोर्ड में तो वो आ रहा है, नेशनल इन यूरोप बोर्ड में आ रहा है, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन मेकिंग ऑफ नेशनल यूरोप, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर 48 तक, मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली, विजुअलाइजेशन ऑफ ए नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसी के ऊपर बात करते करते आगे चलेंगे। ओके, फर्स्टली अरिहंत के नोट्स दिखा रहा हूं, वहीं से शुरुआत करते हैं। ओके, एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 1, ये तो दूसरा खुल गया, क्वेश्चन बैंक नहीं, अपने को चाहिए नोट्स। राइट, मैं एक बार प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तब तक मैं इनको बीच में एक बार थोड़ा, मैंने कुछ देखो टाइमलाइन बना रखी है अपने, मेरे ओन इन माय ओन हैंड राइटिंग आई मेड ए टाइमलाइन, आई हैव डिस्कस दिस विद ऑल ऑफ यू, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ओके, यस, व्हाई आर पीपल लेट? ओके, अचिंत्या प्लीज ज्वाइन द क्लास। अरे कार्तिक सुरेश भी नहीं आज, ऐसे जनरली लेट तो नहीं होता यार, ऐसे मजा नहीं आता ना क्लास का, भाई मजा खराब हो जाता है। रुको चलो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, शायद से कार्तिक क्लास 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 भव्या इज हेयर, कार्तिकेय मिश्रा अगेन मिसिंग,
ओके अचिंत्य, गुड इवनिंग। राजवर्धन, इंग्लिश का एग्जाम कैसा हुआ तुम लोगों का? तुम्हारा वो जो हमने डिस्कस किया था, फॉर्मल सर अच्छा लेटर, हुआ था। कंप्लेंट, पैसेज कंप्लेंट लेटर और वो पैसेज वैसेज, अंतरिक्ष मुझे बता रहे थे कि आया था उसमें से कुछ। टफ आया था, पहला वाला पैसेज टफ था। हाँ, पहला वाला पैसेज टफ था और उसके बाद दूसरा वाला ठीक था, और लेटर, लेटर लेटर हो गया था ठीक। ये सर लेटर अच्छा हुआ था, सर लेटर इजी भी अचिंता, था। ओके अचिंता, व्हाट अबाउट यू? यस सर, हाँ, आपका इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? सर अचिंत्य का ना। अचिंत्य, अचिंत्य पूछ रहा हूँ, अचिंत्य, अचिंत्य भाई बोल ले। रहा था सर, सर सब बढ़िया था सर। सिर्फ फर्स्ट पैसेज में प्रॉब्लम हुआ सर, बहुत डिफिकल्ट था। इवन टीचर तो मुझे कह रही थी कि उन्हें 33 टाइम्स पढ़ना पड़ा खुद क्वेश्चंस बनाने से पहले। उन्होंने, ठीक है मैं करूंगा डिस्कस उसको तुम लोगों के साथ, तुम्हारा ये एग्जाम हो जाए, तुम लोग एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, हम अगले एग्जाम की वो हो जाए उसके बाद हम मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ये सारे पेपर तुम्हारे ना मैं रिवाइज कराऊंगा एक एक। आज भी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा रिवाइज कराऊंगा ब्रीफली, थोड़ा सा एक ब्रीफ लोड वो दे रहा हूँ, ब्रेक डाउन दे रहा हूँ छोटा सा। चलो लेट्स स्टार्ट, जिसको आना है वो अभी आ जाएगा, ठीक है? ओके राइट। ओके गाइस, सो तो बेसिकली पहली जो पहला सबसे पहला ईयर जो हमें याद रखना है वो है ईयर 1707। इंडिया के अंदर उस साल औरंगजेब की डेथ हुई थी, इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है वो। उसके बाद एज यू आर अवेयर एंटायर मुगल एम्पायर हैड कम डाउन, क्रम्बल्ड टोटली, एंड बाय देन ब्रिटिशर्स हैज आल्सो हैड आल्सो डिफीटेड द फ्रेंच। पोर्चुगीज से उन्होंने हाथ मिला लिया था 1600 समथिंग में, क्योंकि उनकी हेनरी फोर्थ की शादी हो गई थी कैथरीनो ब्रेगंजा, जो पोर्चुगीज पोर्चुगल के राजा की बेटी थी। अंग्रेजों को बॉम्बे मिला था दहेज में, डाउरी, और उनसे डिस्कस हो गया था कि भाई चलो पोर्चुगीज तुम इधर से निकल लो, तुम कहीं और काम करो, इधर हमारे को करने दो। फ्रांस वाले माने नहीं, फ्रांस का एक गवर्नर था, इसका नाम था डुप्ले, उसने काफी बार अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, 3 बैटल हुए इनको, कार्नाटिक वॉर्स बोलते हैं, वो कार्नाटिक वॉर्स के बाद फ्रेंच को भी भगा दिया, ब्रिटिशर्स का राज हो गया इंडिया में। लेकिन उसी साल इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड ने एक्चुअली, इंग्लैंड के 3 हिस्से हैं, इंग्लैंड प्रॉपर, सो इंग्लैंड प्रॉपर, लेट्स से दिस इज लाइक दिस इज आइलैंड, सो दिस इज इंग्लैंड, यहां है वेल्श और यहां है स्कॉटलैंड। ओके, सो अराउंड दैट टाइम वेल्स को ऑलरेडी शामिल कर चुके थे इंग्लैंड के अंदर, स्कॉटलैंड को भी ला लिया उन्होंने। स्कॉटलैंड के लोगों ने बहुत मना किया, बहुत कोशिश की, लड़ाई हुई, मारा पीट हुई, बहुत कुछ हुआ। स्कॉटलैंड का एक अलग ही कल्चर, तुम पता, वहां मेन वियर स्कर्ट्स, और स्कॉटलैंड में स्कॉच विस्की बनती है जो कि दुनिया की सबसे फेमस प्रोडक्ट है स्कॉटलैंड का। उनको मिलाया इन्होंने, और उस वक्त जो हुआ दैट इज 1707 के अंदर, ये पूरा का पूरा एरिया बन गया ग्रेट ब्रिटेन, इट बिकेम ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? तो 1707 की कहानी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम देखते हैं, जो नेक्स्ट अवेकनिंग है वो 1789 के अंदर है, कहां पे? फ्रांस के अंदर। पहली बार दुनिया के किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ऐसा लगा कि राजा को हम हटा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। हालांकि इंग्लैंड में ऑलरेडी पार्लियामेंट का राज हो गया था, राजा से पावर ले ली गई थी 1688 में, यहां इंग्लैंड में ऑलरेडी पार्लियामेंट थी, लेकिन अदर देन, और ये ब्लडलेस था इनका, यहाँ कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, अपने आप ही हो गया, प्रोसेस से होता गया धीरे धीरे। फ्रांस के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो कि मोनार्की नहीं थी, लोगों को लगा यार हमारे अंदर पावर है, हालांकि वहां वो रोजर बेयर का सारा कहानी तुम्हें पता होगा, रेन ऑफ टेरर एंड ऑल दोस थिंग्स हैड हैपेंड, एंड देन नेपोलियन केम देयर, नेपोलियन हिमसेल्फ बिकेम एम्परर। उसके बाद वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई शुरू में,
और सोरी यू का मैंने पिछले लास्ट टाइम तुम्हें बताया था, सोरी यू ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसके अंदर की एक स्टैचू बना हुआ है लिबर्टी का, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी स्टैचू बना हुआ है, कंट्रीज उसके सामने से निकलते जा रहे हैं, ऊपर से गॉड हैप्पी है, ब्लेसिंग दे रहे हैं अपनी, ठीक है, और इधर वो पुराने टूटे फूटे जो मोनार्की के जो सिंबल्स थे वो सब टूटे जी फूटे नीचे पड़े थे, शील्ड फील्ड थी और ब्रोकन हैंड कप्स एंड ऑल दैट। सो ये नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी आनी शुरू हुई, तब नेशनलिज्म को आप समझ लेते हैं, व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स वंस नेशन। और ध्यान रखना लैंग्वेज कभी भी ना तो रिलीजन से नेशनलिज्म ना तो कभी रिलीजन से बना है, नेशनलिज्म ना कभी किसी खास ज्योग्राफिक लोकेशन का फर्क पड़ता है, लेकिन नेशनलिज्म की जो जान है वो है लैंग्वेज। एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हिस्ट्री के अंदर हमेशा उन्होंने अपने आप को एक नेशन माना है, एक लैंग्वेज वाले बोलने वालों ने हमेशा अपने आप को एक नेशन माना है। बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाती थी, बांग्लादेश के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर उर्दू बोली जाती थी। पाकिस्तान ने कोशिश करी कि हम ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनाए, लेकिन फाइनली टूट गया, नहीं रह सका इकट्ठा। हाँ, इंडिया का थोड़ा केस अलग है, इंडिया में हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से एक साथ आज भी जुड़े हुए, नहीं तो हम टूट चुके होते, हमारी लैंग्वेजेस अलग है सबकी, लेकिन एक हिंदुस्तानी बोली खासकर जो नदर इंडिया पूरा का पूरा हिंदुस्तानी बोली से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बिहारी हो, अवधी हो, राजस्थानी हो, गुजराती, सब में वो हिंदी का पुट है। तो लैंग्वेज इज द थिंग। तो यू गाइस मस्ट हैव हर्ड दैट जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर लोग अलग अलग, जर्मनी के अंदर जैसे ग्रीम ब्रदर्स थे, उन्होंने फोक स्टोरीज कलेक्ट करनी शुरू कर दी। फोक स्टोरी कलेक्ट करने जाऊंगा तो अपनी लैंग्वेज की तो कलेक्ट करूंगा यार, दूसरी लैंग्वेज की थोड़ी कलेक्ट करूंगा। तो लैंग्वेज इज द मेन थिंग। ओके, ये हो गया। अब तुम सबको पता है उसके बाद एक कहानी जो अगली बनी, उसके बाद अच्छा एक बीच में ये ईयर ले लेते हैं 1801 का, तुम लोगों को पता होगा वोल्फ टोंग ने 1709 में, 1798 में वोल्फ टोंग ने रिवोल्ट किया था 1798 में। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा थैंक यू। 1798 में वोल्फ टोंग ने आयरलैंड के लोगों को अपने साथ मिला लिया और रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड कर दिया, लेकिन इंग्लैंड ने इनको डिफीट कर दिया, बट डिफीटेड, मैं लिख रहा हूं बट डिफीटेड, बट डिफीटेड, ठीक है दोस्तों, ये डिफीट हो गया भाई। तो 1801 में इन्होंने एक लॉ पास किया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, उसके साथ इन्होंने फॉर्म कर दिया, आयरलैंड को अपना हिस्सा बना लिया, तो नॉर्दर्न आयरलैंड ओनली, नॉर्थ आयरलैंड पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, पहले नाम था ग्रेट ब्रिटेन, अभी नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया, ये वाला ऊपर हिस्सा, ये वाला नॉर्दर्न आयरलैंड, अब इसके साथ इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम। अब हो गया यूनाइटेड, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, पार्ट ऑफ यूके। नाउ नेक्स्ट, अच्छा उधर क्या हो रहा है कि नेपोलियन की पावर बढ़नी शुरू हो गई है, तुम लोगों को ध्यान होगा 1792 में उसको मार दिया था रोजोपियर को, मैक्समिलियन रोजोपियर को मार दिया, उसके बाद 1793 में वहां पर डायरेक्टरी आ गई फ्रांस में, और धीरे धीरे पावर आनी शुरू होगी नेपोलियन के हाथ में। इनफैक्ट 1796 में नेपोलियन ने ना अटैक कर दिया था किस पे, इटली पे, और ये कहना शुरू कर दिया फ्रांस वालों ने कि देखो अपने यहां तो नेशनलिज्म ले आए हम, अब हम तुम लोगों की हेल्प करेंगे भाई, नेपोलियन ने बोलना शुरू कर दिया, तुम लोगों की हेल्प करेंगे, ये मोनार्क हटाएंगे तुम्हारे, हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। इटली को अटैक किया, प्रुशिया का काफी एरिया ले लिया, स्पेन का एरिया ले लिया, ठीक है फ्रांस का कुछ एरिया ले लिया, जहां जहां गए बोला कि हम तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन वहां जाते तो उनका वेलकम होता था नेपोलियन का, लेकिन नेपोलियन की जो नीति थी वो गलत थी, वहां पे
फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करता था आर्मी के अंदर, टैक्स लिए जाते थे, लोकल लोगों को बात सुनी नहीं जाती थी, धीरे धीरे लोग उसके अगेंस्ट हो जाते थे धीरे धीरे। सो लेकिन नेपोलियन हारा नहीं, नेपोलियन चलता रहा भाई। इनफैक्ट यहां तक ये समझो कि पहली बार जो नेपोलियन की हार हुई वो 1813 में हुई। एक कुछ वर्ड है आई थिंक उसको मैं स्पेलिंग शायद मेरी गलत हो जाए, लिज़पिग करके एक जगह का नाम है जहां ये बैटल हुई थी, जहां पहली बार हारा ये। और हारा किससे? पी बार में, बार बार वर्ड होता था तुमने, पी बार क्या होता है, पी बार वो बार वाला बार वहां जा बैठ के बंदे पीते। पी बार में है कौन कौन? पी बार में है पुरुषिया। अच्छा समझ लेते, थोड़ा सा थोड़ा मैप का भी जरूरत पड़ेगी हमें। देखो ये है तुम्हारा जर्मनी, ये है तुम्हारा पुरुषिया, ये है यहां ऑस्ट्रिया, यहां फ्रांस, यहां बेल्जियम, यहां डेनमार्क, ठीक ओके, डेनमार्क नीदरलैंड एरिया ओके, देन ओके फ्रांस के पास यूके, इधर बीच में इंग्लिश चैनल, यहां स्पेन, यहां पोर्चुगल, इटली, इटली इज नोन एज द बूट ऑफ यूरोप, इटली नोन एज द बूट ऑफ यूरोप इटली। इधर कहीं थोड़ा ग्रीस है, इधर टर्की, यहाँ थोड़ा ग्रीक, ग्रीस आइलैंड्स हैं सारे, इधर रोमानिया हमारा कुछ कंट्रीज हैं, चेकोस्लोवाकिया, इधर 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 है तुम्हारा वो टर्की, इधर इधर रशिया। ये बेसिकली इस तरह का थोड़ा डिवीजन था, ठीक है। सो पी बार के अंदर कौन कौन है, कौन कौन गुस्सा है फ्रांस से? फ्रांस से गुस्सा है, फ्रांस से ये जर्मनी। अच्छा जर्मनी को ध्यान रखना, जर्मनी उस वक्त कुछ एंटिटी थी नहीं जर्मनी की, जर्मनी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में बटा हुआ था। तो प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, और भी लोग थे साथ में, लेकिन मेनली चार पार्टी ये थी, ये लोग थे जिन्होंने इसको हराया। किसको हराया? अपने भाई इसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। तो बोनापार्ट जी की असली अच्छी तरह से हार हो गई 1815 में, बैटल ऑफ एनीबडी, वाटरलू में जाते हो भाई, लू के लिए जाते हो तो वाटर लेके जाते हो ना, ये तो याद रहेगा तुम्हें, ये तो कोई आसान बड़ी बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ओके। अब ये हार गया बंदा, और हारने के बाद यहां हुआ एक बंदा था, इसका नाम था मैटरनिक, ड्यूक, फर्स्ट नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बताता हूं उसका, मैटरनिक, कोई मैटरनिच बोलता है, कोई मैटरनिक बोलता है, मैटरनिक वैसे होता है, ड्यूक मैटरनिक, वो था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया चांसलर था, चांसलर समझ लो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है, किंग नहीं था, किंग नहीं था, चांसलर था, मतलब जो किंग का प्राइम मिनिस्टर, मेन प्राइम मिनिस्टर। इस बंदे ने इन चारों को बुलाया कि बोला अब तो हरा दिया इसको, तो नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, इसकी तो बत्ती कर दी बंद, अभी अब हम ऐसा कुछ काम करेंगे कभी भी डिविजन ऑफ अनबैलेंस ऑफ पावर ना हो, यूरोप के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, कुछ ऐसा काम कर दे मिलके, सारों ने मिलके बैठ के वहां पर इन्होंने बांटना शुरू किया। फ्रांस ने जितना हिस्सा लिया था उसका कुछ हिस्सा डेनमार्क को दे दिया, कुछ हिस्सा इधर स्पेन को दे दिया, कुछ हिस्सा ये वाला हिस्सा एरिया ऑस्ट्रिया को दे दिया, ठीक है, इटली, ऐसे से बांट दिया गया पूरा, यहाँ पे चारों तरफ से उसको बंद कर दिया, सॉरी फ्रांस को बंद कर दिया पूरा चारों तरफ। और इस ट्रीटी का नाम है, तीन चार नाम है इसके, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुई थी, वियना जो कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया,
यहाँ ऑस्ट्रिया, तो यहाँ यहाँ कहीं वियना है। ओके ठीक है जी, वियना। तो इसका नाम क्या क्या है? वियना कांग्रेस। मेन नाम तो वियना कांग्रेस के नाम से लोग जानते हैं, और हुआ 1815 में। इसका मेन पार्ट क्या हुआ यार? इसका मेन पार्ट ये हुआ कि जितने मोनार्क थे ना, उनको सबको गद्दियों पे बैठा दिया गया वापस। सारे राजा अपनी अपनी गद्दियों पे वापस आ गए। मोनार्की इज बैक, मोनार्की इज बैक। फ्रांस में लुई 18, ओके बेटे में चल ही रहा था। ऑस्ट्रिया में इनका किंग था ही, और रशिया में, स्पेन के अंदर भी एक फैमिली थी, बोरबोन किंग बोलते हैं उनको, बोरबोन किंग, जो कि फ्रांस के भी बोरबोन ही थे, उनको बैठा दिया। बोरबोन, और इसी का कजन स्पेन में था। तो ये फ्रांस हो गया एंड स्पेन। स्पेन में भी बोरबोन फैमिली का ही था, ब्रांच थी। ओके देन हिटलर, ये तो मर गया बाद में, हिटलर कह रहा हूँ। बार बार मैं उनको हिटलर आता है, क्योंकि ये दोनों दोनों कनेक्टेड माने जाते, डिक्टेटरी माने जाते दोनों। तो ये कहाँ गया अपना वो नेपोलियन बोनापार्ट? तो भाई बोनापार्ट ने, ये नाम लिखना पड़ेगा ना बोनापार्ट का हमें। ओके बोनापार्ट की रानी को यहाँ एक परमा करके जगह है इटली के पास, यहाँ यहाँ पे परमा, यहाँ की छोटी सी एक प्रिंसली स्टेट दे दी गई, ताकि उसका खर्चा पानी निकलता रहे, और बोनापार्ट को जा लिया जेल में। ये यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, बोनापार्ट, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन। नेपोलियन 1821 में मर गया, जहां पे उसको कैद किया हुआ था, मर गया उधर। ओके अब वापस देखो, वापस से मोनार्की आ गई है, और ये मोनार्की सारी की सारी जब वापस आ गई, तो वापस अब क्या हुआ? अब चार अलग अलग, तीन अलग अलग तरह के कैंप बन गए, तीन अलग अलग तरह की थिंकिंग वाले लोग आए। वो कौन थे, ये तुम्हें जानना जरूरी है। सबसे पहले थे लिबरल्स रेवोल्यूशनरी, इसका नाम था कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब तो सबको पता होगा, प्रथम क्या होता है कंजर्वेटिव वर्ड? मतलब क्या होता है कंजर्वेटिव का? सर वो लोग पुराने ट्रेडिशन को बचा कर रखना चाहते थे। बस बहुत बढ़िया। एक्चुअली में भी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है, ऐसे लोग नहीं कहते यार, गांव में लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं यार। कोई गर्ल्स वगैरह अगर जीन्स वगैरह पहनती है, तो बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जो पुराने ट्रेडिशन को बोलते हैं कि चलते यही चलते रहे, इन्हीं को चलाते रहो। सो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या कहते थे? कि मोनार्की को ही ठीक रखे हैं, मोनार्की अच्छी है, मोनार्की रखो। तुम्हें ध्यान होगा फ्रांस के रेवोल्यूशन में चर्च की भी जमीन ले ली गई थी, चर्च वालों की जमीन ले ली थी, क्लर्गी को आउट कर दिया था, नोबल्स मैन को, नोबल्स को आउट कर दिया था, राजा को तो आउट कर ही दिया था। कंजर्वेटिव कहते हैं कि चर्च भी अच्छा है, होना चाहिए, किंग भी अच्छा है, होना चाहिए, सोसाइटी में जो चेंजेस डिफरेंसेज हैं वो अच्छे हैं, नहीं होने चाहिए, जो सोसाइटी चली आई वैसे चलते। हाँ थोड़े बहुत चेंज कर दो, जैसे कि हाँ 1804 वाला रह गया मामला। 1804 में यहाँ पे उस बंदे ने एक नेपोलियनिक सिविल कोड लगाया था, 1804 नेपोलियन सिविल कोड बोलते हैं। इसके अंदर बड़ी सारी चीजें थी कि भाई एक एक ही वेट यूज होगा, अलग अलग वेट नहीं यूज होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो लोगों की है वो उनकी है, कोई राजा ऐसे नहीं छीन सकता उनकी। उसने फिर सर्फ जो होते थे, जो कि स्लेव टाइप की कैटेगरी के लोग थे, उनको माफ कर दिया, उनको फ्री कर दिया था, और काफी रिफॉर्म्स, नए नए चेंजेस लेके आया था। तो कंजर्वेटिव ने कहा कि इकोनॉमी पे ध्यान दिया, कंजर्वेटिव ने कहा कि यार ये देखो, दो तीन बातें तो नेपोलियन जो बोली थी, नेपोलियन वैसे था तो गधा ही, लेकिन उसने दो तीन बातें ऐसी बोली थी जो कि ठीक थी, वो हम रख लें, तैयार है, इकोनॉमी रखने तैयार है, बिजनेस पे ध्यान रखना तैयार है, वो तैयार है। बाकी राजा होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, सोसाइटी बिल्कुल ऐसी चल रही चलनी चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म के अंदर ये सब शामिल था।
फिर आए लिबरल। लिबरल वो लोग थे क्योंकि अब तक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, दूसरे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा था माल, कॉलोनियां बन रही थी, थोड़ा कुछ लोगों के पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया था जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसा लगा लगा के ट्रेड ट्रेड कर रहे थे, एक नई मिडिल क्लास उभर के आई जिसके अंदर ये ट्रेड्समैन थे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर थे, सिविल सर्वेंट थे, पढ़े लिखे थोड़े, पैसे भी आ गए इनके पास। इन्होंने कहा यार नहीं नहीं मोनार्की नहीं चाहिए अपने को, मोनार्की नहीं चाहिए, लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और कोई बर्थ का स्पेशल बर्थ की प्रिविलेज वगैरह नहीं चाहिए अपने को, साथ में वोटिंग राइट। लिबरल से पूछा गया वोटिंग राइट क्या सबको मिलेगा, सब सबको वोट कर सकते हैं? बोले नहीं 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 सब लोग वोट नहीं करेंगे, वोटिंग वुमेन को तो आउट ही कर दो, वो तो वोट कर ही नहीं सकती, वो करेंगे वोट जिनके पास थोड़ी जमीन है या थोड़े जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसा देते टैक्स देते, सबको नहीं दे सकते वोटिंग। ये बीच वाले थे लिबरल्स, और सबसे नीचे थे रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी वो लोग थे, या एक्सट्रीमिस्ट भी कहीं वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, जो कहते थे कि देखो सुनो इसमें कौन थे ज्यादा, वर्कर लोग थे, गरीब वर्कर, लेबर पार्टी के लोग, वर्किंग पर्सन एंड फार्मर्स, ये कहते थे नहीं नहीं सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और जो जो प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे नहीं करना हमें, हम तो मार के उखाड़ के फेंक देंगे जो भी राजा होगा मोनार्क होगा, और अभी जनता की सरकार आएगी, जनता की सरकार। तो ये लोग थे तुम्हारे रिएक्शनरी और रिवोल्यूशनरी, रिएक्शनरी रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट, तीन वर्ड यूज होंगे इनके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए सर, विमेंस नहीं थी इनका पार्ट जो रिवोल्यूशनरी पार्ट, उसमें मिडिल क्लास लोग भी थे और पुअर लोग। अगेन से अगेन वहां से उनको मार पीट के लेके आई थी पूरी रॉयल फैमिली को, बोला था तुम यहाँ रहोगे, पैलेस ऑफ टुलरीज में रखा गया था फिर उनको, तो वुमेन वर वेरी मच पार्ट। बट वुमेन का जब भी होता था, जब जब स्ट्रगल का पार्ट वो बनती थी, लेकिन जब स्ट्रगल खत्म हो जाता था उसके बाद उनको फिर राइट्स नहीं मिलते। इनफैक्ट जर्मन, मेरे ख्याल से फ्रांस में बहुत लेट 1948 में राइट्स मिले थे, वोटिंग राइट्स भी, बाकी देश में तो उसके और बाद मिले, हमारा कंट्री को मिल गए पहले, हम लोगों ने 1947 में डिसाइड कर लिया था कि वुमेन विल वोट। तो ये बात है वुमेन का, ये मामला है। ओके अच्छा भैया ये हो गया, उसके बाद ओके उसके बाद चलता रहा वहां, ये 15-20 साल तो ठीक ठाक चला यार मामला। 1830 आते आते, अच्छा मैं कुछ और यहाँ दिखाना चाहता हूँ तुम लोग, एक बार देखो ग्रीक स्ट्रगल की बात मैंने पिछली बार बताई थी तुम लोगों को, थोड़ा इस पे नजर मारो। ओके ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ तो ये चल रहा है भाई। अच्छा बीच में एक चीज मैंने मिस कर दी, ये मिस्टर जीसुपे मजानी का बर्थ हो गया जिनोवा करके जगह, ये जिनोवा वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनोवा नहीं है, वो जिनोवा यहाँ इटली के पास एक जगह जिनोवो, GENEAO जिनेवो, यहाँ पे जीसुपे मजानी बॉर्न। और तुम लोगों को पता बहुत कम उम्र में इस बंदे ने काफी काम कर लिया था, इनफैक्ट 1831 में तो इसने यंग इटली और यंग सोसाइटी ये सब बना दिया। ओके चलो, जीसुपे मजानी बॉर्न जिनेवा में, 1815 के अंदर वियना कांग्रेस हो गई एंड रिटर्न ऑफ मोनार्की विद पी बार। याद रखने का आसान तरीका है क्योंकि जितने ये राजा लोग थे तो दारू दारू पीते होंगे बैठ के, तो उन्होंने बार बनाया अपना और पी बार करके याद रखना, चार कंट्रीज के अंदर शामिल हो गए। अच्छा 1821 से 32 तक ग्रीक स्ट्रगल हुआ क्योंकि टर्की जो है वो पुराना राज्य चला आ रहा था, ओटोमन एम्पायर बोलते हैं उसको, और कई 400-500 साल से चला रहा, ग्रीक वहां रहते थे और उन ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिली थी इन सालों के दौरान, 32 में आके फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। ठीक है इसके बारे में फिर डिटेल में बातें बात करें। तो 30 के अंदर बॉर्बोन किंग रिस्टोर हो गए, ये सब कुछ हो गया, काम हो गया फिर फ्रांस की को। अच्छा फ्रांस के अंदर हाँ, लेकिन 1830 में जुलाई महीने के अंदर
जुलाई महीने के अंदर जनता ने मिलके जो राजा जो था लुई 18 उसको ओवरथ्रो कर दिया, उसका राज्य हिला दिया, क्योंकि भुखमरी फैली हुई थी, लोग परेशान थे। तो 15 साल के बाद लुई 18 को, मैं देख लेता हूँ लुई 18 ही राजा था या कोई और था, लुई 18 तो 15 में तो था ही, उसके बाद देखता हूँ, मुझे जहां तक जाना है लुई 18 ही था, उसको भगा दिया, मार दिया, पीट दिया, जो भी किया, और उसकी जगह किंग को बैठाया गया, इसका नाम था लुई फिलिप। और लुई फिलिप को जो राज्य दिया गया वो दिया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि जनता के लोगों ने मिलके रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बना लिया था एक्चुअली फ्रेंच रिवोल्यूशन में, उसमें पावर कम कर दी गई थी राजा की, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश हो गई 1830। ठीक, 1831 में लुगेरिया करके एक जगह यहीं पे जिनोवा के पास, जैसे मैंने बताया परमा है, जिनोवा है, लुगेरिया भी यहाँ एक जगह, यहाँ पे इटली का हिस्सा है, यहाँ पे 1831 में एक सोसाइटी तो बनाई ली थी इसने अपने अपने और कार्नोबोरी सोसाइटी नाम था उन सोसाइटी का, जो रात को अंडरग्राउंड काम करती थी, पैम्पलेट बांटती थी लोगों में कि ये हटाओ, ये राजा वाजा नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो लिगेरिया के अंदर इन्होंने एक रिवोल्ट किया और 1831 में इसको फिर राजा ने बोला कि या तो तुम मौत की सजा दे देंगे या तो तुम निकल लो यहाँ से। तो जसुपे मजानी कहाँ गया था? जसुपे मजानी गया था स्विट्जरलैंड। जसुपे मजानी कहाँ चला गया? स्विट्जरलैंड में घुमाए, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे यूके में घूमा, इन सब एरियो में अपना टाइम पास करता रहा, साथ साथ वहां पे पैम्पलेट वगैरह अपना कुछ ना कुछ मटेरियल अंदर भेजता रहा। जसुपे मजीनी, उसके बाद 1831 में पोलैंड में एक रेबेलियन हुआ। एक्चुअली पोलैंड एक ऐसा कंट्री था बेचारे को सब लोगों ने बांट रखा था, यहाँ है पोलैंड, ये पोलैंड का हिस्सा है, कुछ एरिया रशिया के पास था, कुछ इधर था, कुछ इधर था, अलग अलग कंट्री ने इस पे अपना कब्जा कर रखा। तो पोलैंड के लोग बहुत दुखी थे, पोलिश कल्चर लैंग्वेज बोलने वाले अलग अलग देश राज्यों के अंदर रह रहे थे, तो वहां रेबेलियन हो गया रशिया के अंदर, ठीक है, और रशियन गवर्नमेंट उसको क्रश कर दिया, दबा दिया। 1832 में मैंने बताया ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया टर्की से, इसमें हेल्प की थी यूके एंड फ्रांस ने, यूके फ्रांस एंड रशिया ने हेल्प की थी, क्योंकि तुम देखो क्या होता है, एक देश जो पड़ोसी दूसरा देश होता है ना, वो दूसरे देश का हमेशा अपोजिशन करता है, खूब चाहता नहीं कि वो मजबूत हो, तो रशिया को ऐसा लगता था कि टर्की अगर स्ट्रांग होगा तो हमें डेंजर है, तो रशिया ने ग्रीस की हेल्प की, एक एडमिरल का नाम मैं बताऊंगा बाद में उसको भेजा था, पूरी फ्लीट लेके गया था वो और इधर से घूम के आया था पूरा, यहाँ के अटैक किया था उसने, तो इसने किया, यूके ने किया। और एक बहुत बड़ा राइटर है, शायद तुम लोगों की बुक में कभी उसकी पोएम आई, उसका नाम था लॉर्ड बायरन, एमसीक्यू का मामला है तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ ले, इस वर्ड को ध्यान रखना। लॉर्ड बायरन जो था वो ग्रीक से बड़ा प्यार करता था, क्योंकि ग्रीस की पुरानी, पूरे दुनिया को लगता था, पूरी यूरोप को लगता था कि ग्रीस का हमारे ऊपर कर्ज है, ग्रीस ने हमें डेमोक्रेसी दी, लैंग्वेज दी, साइंस दी, आधे से ज्यादा वर्ड तो ग्रीस लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में ही। अच्छा एक भी बता दूं, ग्रीस क्या, ग्रीक क्या, ग्रीक लैंग्वेज का नाम है या कल्चर का नाम है या लोगों का नाम है, ग्रीस कंट्री का नाम है, ओके, सो ये ग्रीस है और इनकी लैंग्वेज है ग्रीक। तो लॉर्ड बायरन जो था, इंग्लैंड का एक लॉर्ड था और नोबल फैमिली का बंदा था, वो यहाँ पे आया था, उसने पैसे वैसे भी दिए थे, फाइनली उसकी डेथ भी हो गई थी, आई थिंक 1824 में डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ के बाद यूरोप के लोगों का बड़ा ध्यान गया ग्रीस की तरफ, यार देखो क्या हो रहा है ग्रीस में, चलो हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं, फाइनली ग्रीस हो गया आजाद 1832 में, ठीक है भाई। अब देखो 34 में एक, अब 34 आते आते क्या हुआ, ये प्रुशिया अपने आप को बनाना चाह रहा था तगड़ा, और यहाँ के जो राजा थे वो प्रोग्रेसिव थे, ध्यान रखना पीस प्रोग्रेसिव, यहाँ के जो किंग थे वो प्रोग्रेसिव थे, आई थिंक केजर विलियम फोर था यहाँ का राजा, तो प्रुशिया प्रोग्रेसिव था, तो यहाँ के ट्रेडर्स को उन्होंने परमिशन दी, और यहाँ जो फैमिली है ना, उसकी फैमिली के नाम में लास्ट में जेलवरिन है, मैंने जब पढ़ाया था, क्लास कराई थी, जाना सारे वीडियो है इसके देख लेना, उसमें बात बताई थी जेलवरिन। तो यहाँ पे एक नया संगठन बना, एक नया ग्रुप बना, जिसका नाम था
चेलवोरिन, दिस वॉज अ यूनियन और एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, और जेलोवरिन की हेल्प से क्या हुआ कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो है कम हो गए, लेस रेस्ट्रिक्शन हो गए, क्योंकि जर्मनी को बहुत सारी प्रिंसिपलिटीज में बांट रखा था, आई थिंक 14-15 प्रिंसिपलिटी में, तो नेपोलियन ने बांट दिया था शायद 14-15 या 35 कुछ प्रोविंसेस में था, अब दो चीजें अलग अलग है, 30-35 था शायद में। तो यहां से जब लोग गुजरते थे अपना ट्रेड करते थे, इधर जाते थे इधर जाते, तो बहुत जगह हर जगह चुंगी देनी पड़ती थी, हर जगह टैक्स, हर जगह मेजरमेंट का अलग तरीका। तो जलवरी ने क्या किया, फाइनली लास्ट में जाके 2.35 के करीब जो करेंसी थी उनको फाइनली 2 करेंसी बना दिया था, एक शायद से प्रुशिया की रही होगी मेन करेंसी, एक ऑस्ट्रिया की रही होगी। सो 2 करेंसी में आके आ गए ये लोग। जलवरिन की वजह से क्या हुआ, जब ट्रेड बढ़ने लगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह, वहां का माल यहाँ आ रहा है, वहां का माल। अब सपोज करो पाकिस्तान से कोई बढ़िया डेट्स, फ्रूट, बादाम वगैरह आ रहे हैं वहां पर जो इंडिया में नहीं हो रहे, तो ट्रेड बढ़ेगा तो लोगों में प्यार बढ़ता है हमेशा, तो दोनों देशों के बीच में क्लोजनेस आएगी, लड़ाई के चांसेस कम है, लोग लगा छोड़ यार किसने लड़ाई फड़ाई करनी है, इतना बढ़िया काजू बादाम आ रहे हैं तो चलने दो। तो ट्रेड से हमेशा लोगों के बीच में हार्मोनी और कॉन्टेक्ट बढ़ता है। तो एक जोलवेरिन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है नेशनलिज्म में यूरोप में, ये पॉइंट आ सकता है। जोलवेरिन तो एक ग्रुप था लेकिन ट्रेडर्स ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ द किंग्स सपोर्ट, लेकिन धीरे धीरे उसकी वजह से लोगों में आपस में नेशनलिज्म की फीलिंग थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई। ओके भाई, उसके बाद जोलवेरिन के बाद नेक्स्ट पॉइंट तुम देख रहे हो, यहाँ पे फूड शॉर्टेज का मामला आ गया 1848 में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया और सिटीजन जो है स्ट्रीट पे उतर के आ गए। यही सिटीजन्स ने 1789 में इन्हीं सिटीजन ने लुई 16 का बैंड बजाया था, इन्हीं सिटीजन्स ने फिर बाद में 1830 में लुई 18 का बैंड बजाया, तो खाना नहीं मिल रहा था इनको, और यही पब्लिक ने 1848 में खूब उदम मचाया और लुई फिलिप भाग गया वहां से, पेरिस से भाग गया। और उसी साल एक बहुत बड़ी बात हुई, फेडरिक सोरियू जिसका मैंने शुरू में नाम लिया था, उस बंदे ने वो पेंटिंग बनाई जिसके अंदर की सारे कंट्रीज चले जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड आगे चला, यूएसए सबसे यूएसए सबसे आगे, क्योंकि 75 तक यूएसए आजाद हो गया था, 1783 तक, 1783 तक, और यूएसए सबसे आगे, उसके पीछे स्विट्जरलैंड है, उसके पीछे अभी फ्रांस बस निकलने ही वाला है, फिर जर्मनी है, फिर बाकी कंट्री दिखाए थे फ्रेडरिक सोरियू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, उस पर पूरी लास्ट क्लास में हमने खूब डिस्कशन किया था। ओके, और उसने वर्ल्ड को विजुअलाइज कर लिया एज ए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसके बाद इटली का बैटल शुरू हुआ अराउंड 55 से लेकर 61 तक, कि कैसे इटली आजाद हुआ था, और फाइनली जसूपे गारबाल्डी का नाम पिछली बार लिया था, जसूपे गारबाल्डी ने धीरे धीरे करके, जसूपे गारबाल्डी और एक बंदे का नाम था काउंट ऑफ कैमूर, सबको याद आ रहा होगा अभी थोड़ा थोड़ा हुआ थे, वो जो मैंने बात करी थी काउंट ऑफ कैमूर, कैवूर, उसने जसूपे में इसको बोला था, जसूपे गारबाल्डी को बोला था कि तू यहां अटैक कर दे टू सिसली के इलाके में, ये फ्रांस का राजा, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मदद से मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये एरिया क्लियर कराया है, यहाँ पे पाइडमोंट का राज्य था, यहाँ एक सरडानिया करके आइलैंड था, यहाँ एक और आइलैंड था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, तो इनको पहले आजा, ये तो यहाँ तो ये तो पहले से आजाद थे, एमैनुअल टू जो राजा था वहां का, इटली की जो रॉयल फैमिली था उनका राज्य यहाँ ऑलरेडी था, और उसका एक जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था काउंट ऑफ कैवूर और काउंट कैवूर, धीरे धीरे उसने टू सिसिली आजाद करा लिया, इसकी मदद से जसूपे गारबाल्डी की मदद से। जसूपे गारबाल्डी ने क्या किया था दोस्तों, उसके पास 1000 मैन थे, 1000 थे 3000 थे, जिनको कि वो रेड शर्ट्स को, उनको रेड शर्ट बोलते थे, वो उनको 5 शिप में बिठा के यहां से लेके आया था यहाँ अटैक करने के लिए, और फिर वो उसको लालच आ गया, उसने बोला यहाँ का राजा तो मैं बनूंगा, काउंट कैवूर को उन्हें बोला अरे यार तो पंगा हो गया, हम तो सोच रहे थे हम इसे अपने राज्य में ला लेंगे, फिर काउंट कैवूर ने कुछ लोग भेजे, फ्रांस के राजा को बताया
कि भाई फ्रांस का राजा कौन था उस वक्त, आई थिंक ये था नेपोलियन 4 या नेपोलियन 2 था। उसने बोला देखो जी आपके, क्योंकि इसके ये यहाँ जो राज्य था स्पेन के किंग्स का था, स्पेन के किंग भी बॉर्बोन थे, इन्हीं की फैमिली के लोग थे फ्रांस की, तो ये मेन बॉर्बोन फैमिली यहाँ की थी, इनके कजन वगैरह ये थे, तो इनका जो राज्य यहाँ पे था उस पर किसी ने अटैक कर दिया, गारिबाल्डी ने, गारिबाल्डी ने अटैक करके कब्जा लिया। तो इटली में बैठा हुआ काउंट कैवूर बोलता है, सीसी इसको बोलता हूँ मैं, काउंट कैवूर ने बोला कि यार ये तो देखो आपके ऊपर है, बोलो मैं अटैक कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये मत समझना मैं आपके ऊपर अटैक करूँ, मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा और इनसे मैं फिर इनको ठीक करता हूँ। तो यहाँ जाके बाद में गारिबाल्डी घबरा गया, उसने बोला ठीक है यार काउर साहब जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही करेंगे, तो फिर ये भी इटली का हिस्सा बन गया। बस अब फिर क्या बच गया था, यहाँ बच गया था एक रोम का एम्पायर, रोम का एम्पायर जो था पोप के पास था, रोम का एम्पायर किसकी मदद से था, यहाँ फ्रांस की मदद से था। यहाँ पे भी यूसुफ मदीनी ने एक बार आई थिंक 51 या कभी रेवोल्यूशन करा दिया था, लेकिन वो फेल हो गया था क्योंकि फ्रांस की सेनाएं आ गई थी, फिर भाग गए थे दोनों, गारिबाल्डी और मजीनी दोनों भाग गए यहाँ से। तो बाद में क्या हुआ था, रोम के ऊपर ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया, सॉरी फ्रांस के ऊपर ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया, फ्रांस को अपनी ट्रूप की जरूरत पड़ी, फ्रांस ने बोला भाई मैं अपनी ट्रूप निकाल रहा हूँ पोप साहब। अच्छा नहीं, उससे पहले कैवूर ने उसको बोला था, हाँ थोड़ा सा एक और बात याद आई, जब कैवूर ने यहाँ बोला इसको कि मालिक ये जो गारिबाल्डी बंदा है मेरा तो इसको लेने देने है नहीं, ऑफिशियली था भी नहीं, जो कुछ था अंडरग्राउंड स्टेटमेंट था दोनों का आपस में, तो उसने बोला कि आप रोम के जो पोप है उसको बोलो हमारी सेनाओं को यहां से निकलने दे, हम यहाँ पे अटैक करना चाहते हैं। तो उसने कहा जाने दो, तो जाने दिया यहाँ से ये करके गए थे। बाद में जो फ्रांस के ऊपर ऑस्ट्रिया ने अटैक किया, मेटरनिक ही था उस वक्त, तो हाँ तो फ्रांस ने अपनी सेना यहां से हटा ली, पोप रह गया अकेला, तो एमैनुअल टू की जो आर्मी थी उसने जाके यहाँ कैप्चर कर, एमैनुअल टू भी मर गया था 51-52 मर गया था, यानी बिफोर इटली बिकेम कंप्लीटली यूनिफाइड, एमैनुअल ऑल्सो डाइड आई थिंक एंड कैवूर ऑल्सो डाइड। ओके थोड़ा सा डेट्स का इधर उधर हो सकता है, देखने वाले। सो एमैनुअल, और उसके बाद एक बहुत लंबी कहानी थी जिसका नाम था, उस बंदे का नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, बिस्मार्क का, ओटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि यहाँ के राजा का प्राइम मिनिस्टर था, ऑटो वॉन बिस्मार्क ओवीबी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने चार चार अलग अलग स्टेप्स के अंदर प्रुशिया का पूरा अधिकार कर दिया था। किसके ऊपर किया था, ऑस्ट्रिया, पहले जर्मनी का पूरा एरिया ले लिया था, यहाँ डेनमार्क के पास दो कंट्री दो स्टेट थे इनके, उनको ले लिया था, ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद फ्रांस को भी कब्जे, फ्रांस के राजा को हरा दिया। और तुम्हें मैंने फोटो दिखाई थी कि कैसे जाके जो यहाँ का जो राजा था एम्परर, उसको घोषित किया गया एम्परर ऑफ जर्मनी, क्या नाम था यार उसका, ध्यान नहीं आ रहा है, बताऊंगा। और कहाँ जाके कहाँ डिक्लेयर किया उसके उसके एम्परर को, कहाँ डिक्लेयर किया, पैलेस ऑफ वर्साइस में, पैलेस ऑफ वर्साइस में जाके डिक्लेयर किया, अपने राज्य में नहीं किया, इसको हरा के इसकी राजधानी में डिक्लेयर किया। उसकी फोटो भी मैंने तुम लोगों दिखाई थी, तो नाम बताता हूँ, केजर विलियम तो था शायद से, या विलियम, केजर विलियम वन था उसको शायद से। सो इस तरह से पूरी कहानी हम देखते हैं कि नेशनलिज्म की कहानी बनती जाती है, 1871 आते आते सब चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मोनार्की वाली बात हमने बताई, ये फेडरिक सोरू का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, फेडरिक सोरियू के नाम से रिलेटेड एमसीक्यू आएगा, फ्रेंच आर्टिस्ट था पहली बात, कब बनाई पेंटिंग द ग्रेट मार्च 1848 में बनाया, और उसमें क्या क्या दिखाया गया उससे क्वेश्चन आ सकते हैं काफी, हो सकता है वो पिक्चर ही आ जाए, हो सकता है एग्जाम में वो इमेज ही दे दी जाए, मैं देखता हूँ क्वेश्चन मिलते हैं तो कराऊंगा उसको। ओके फ्रेंच के बाद एक फीलिंग आई फादरलैंड की उन्होंने, और अपने फादरलैंड को क्या बोलते थे वो, ला पाट्री, लॉ पैट्री, पैटर्न पैटर्नल होते ना, पैटर्नल पैटर्नल पैट्रियार्की, पैट मतलब फादर, मैट मतलब मदर, पैस पी से पापा याद रखो, तो फादरलैंड इज लॉ पैट्री। उसके अलावा उन लोगों ने वहां पे एक दूसरे को सिटीजन बोलना शुरू कर दिया, ले सिटी ऑन सिटीजन और ले सिटी ऑन नी फीमेल्स के लिए। एक नया फ्लैग बनाया गया, फ्लैग के अंदर तीन कलर डाले गए, रेड व्हाइट एंड ब्लू,
अभी भी वही। और एक मार्सलीज करके एक जगह है, मार्सलीज मार्सलीज करके जगह है, जहां पे लोग फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी तब लड़ने के लिए आए थे और गाना गाते हुए आए थे। उसको मार्सलीज को अभी भी फ्रांस का नेशनल एंथम माना जाता है इवन टुडे। ओके, तो स्टेट जनरल वनरल तो हम लोग सबको याद है, वो चार तीन स्टेट की कहानी। फिर नेपोलियन कोड के जो मेन मेन पॉइंट है वो थोड़ा देखना है हमें, कि बर्थ के प्रिविलेज हटा दिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल कर दिया, सारे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ कर दिया, पेजेंट्स को फ्री कर दिया, सर्फडम जो सर्फडम था, स्लेवरी थी। स्लेवरी सर्फडम में तुम पूछो सर फर्क क्या है, स्लेव तो प्रॉपर्टी होता है एक तरह से अपने मालिक की, उसको मालिक मालिक को अगर आज दो बकरी खरीदने का मन कर रहा है तो क्या बोलेगा, ओके सुनो एक सेव स्लेव ले जाओ मेरा, दो बकरी दे दो मेरे को, ये होता है स्लेव का। लेकिन सर्फ के पास वो सर्फ को बेच नहीं सकता मालिक, हाँ उससे लेबर करवाएगा, काम कराएगा जमीन पे अपनी, सब कुछ कराएगा, लेकिन उसको बेच बाच नहीं सकता। तो सर्फडम हटा दी। और मैंने बताया था जो बड़े बड़े विलेजेस के अंदर हवेलियां होती थी पुराने लैंडलॉर्ड्स की, उनको मैनोर बोलते थे। तो मैनोर मतलब बेसिकली लैंडलॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड्स, बहुत बहुत बड़े जमींदार, उनके ड्यूज से भी हटा दिया। गिल्ड सिस्टम हटा दी उसने, क्योंकि गिल्ड सिस्टम क्या कर रही थी, हर जगह व्यापारियों का अपना समूह था, वो चाहते थे बाहर का कोई बंदा आके यहाँ वो ट्रेडिंग ना करे ताकि हमारा नुकसान ना हो जाए, उससे ट्रेड को फलने फूलने में पूरे यूरोप में दिक्कत हो रही थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट का तो पूरा एरिया आ गया था अपने पूरे अंडर में, उसने बोला ये क्या लगा रखी है, हटाओ इसको गिल्ड सिस्टम को। गिल्ड मतलब एक टाउन ट्रेडमैन की एसोसिएशन, ठीक है। गिल्ड सिस्टम हटा दिया, यूनिवर्सल लॉज बना दिए, स्टैंडर्ड वेट बना दिए, मेजर्स कॉमन करेंसी बना दी, ये सब हो गया। हाँ जी, या एनी डाउट स्टिल हियर? नो सर, क्लियर। सर कैन यू एक्सप्लेन द ब्रेकिंग ऑफ दैट वॉल अगेन? विच वॉल सर? विच वॉज रिलेटेड टू बिजनेस एंड टू द बिजनेस ट्रेड बिटवीन। ओके, दैट इज कॉल्ड गिल्ड सिस्टम। गिल्ड क्या होती है, एसोसिएशन होती है अलग अलग ट्रेडर्स की गिल्ड। जैसे पता है बॉलीवुड में अभी भी वर्ड एक यूज होता है, प्रोड्यूसर्स गिल्ड। गिल्ड का मतलब एक ट्रेड एसोसिएशन, एक ग्रुप जो बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करता बेचना। ओके, गिल्ड, GUILD, गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन। तो मैं कह रहा हूं कि आज भी करण जौहर वगैरह इनकी सबकी मिलके बॉलीवुड के अंदर एक है बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स गिल्ड, तो इसे याद रखना। अच्छा भाई, चलो आगे चलते हैं। यस, ओके। अच्छा, तो अभी हो क्या रहा है, सारे के सारे हर जगह कहीं कोई है, कहीं फैमिली है। यहाँ ऑस्ट्रिया के अंदर हैशबर्ग नाम की फैमिली थी, हैशबर्ग एम्पायर बोलते हैं इनका, HS, हैशबर्ग। इधर बोरबॉन फैमिली थी, ठीक है, इधर भी बोरबॉन फैमिली थी। इधर इटली के फैमिली का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं बताऊंगा बाद में। इटली की फैमिली का भी नाम था, कुछ था इनका, यार मेरा भी याद नहीं आ रहा। दे ऑल्सो हैड ए रॉयल फैमिली, हर जगह रॉयल फैमिली ये इस टाइप के लोग थे। तो पूरा का पूरा यूरोप जो है छोटे छोटे डचीज में बटा हुआ था, कैंटोन्स, मतलब छोटे छोटे एरियाज के अंदर बटा हुआ था। ओके, एरिस्टोक्रेसी अंदर न्यू मिडिल क्लास की हमने बात कर ली, कि नई मिडिल क्लास आ गई अभी और मिडिल क्लास ने पंगे डालने शुरू कर दिए राजा के रास्ते में। नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है भैया, नए ग्रुप बन रहे। अच्छा, एक बात और थी, अगर इंडस्ट्री नहीं बनती तो ये जितने वर्कर थे तो गांव में अपना खेती कर रहे होते, ये इकट्ठे कैसे हो पाते? लेकिन जब फैक्ट्री बनी, गांव में इनको जमीन तो थी नहीं इनके पास, आगे शहरों में अपना काम कर धंधा ढूंढने, अब काम धंधा ढूंढ के एक फैक्ट्री में काम कर रहे, और काम करने के बाद जैसे शिफ्ट खत्म हुई तो बैठ के कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो इकट्ठा होना शुरू हो गए, आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। यार बड़ा पंगा हो रहा, हमारा मालिक सलब लाइट ही नहीं जलाता, लाइट भी नहीं हमारे यहाँ काम करने में, उस दिन ही बंदे को एक्सीडेंट हो गया। बोला अच्छा उसका एक्सीडेंट हो गया, और हमारे यहाँ भी यही हाल है, टॉयलेट नहीं है, रहने की जगह नहीं है, ये सब करके। तो धीरे धीरे इनका एक मोमेंटम बन गया और वो मूवमेंट वर्कर मूवमेंट बनता चला गया, एक नई क्लास बन के आ गई। देखो, एक तो मिडिल क्लास थी,
पैसे वाली, ट्रेड वाली, जिनके पास पैसा था सब, और एक बिल्कुल नीचे लेवल का बंदा है जो कि रेवोल्यूशनरी बनेगा आगे जाके। अच्छा, और इनके आपस में क्या था, एक ही तरह की लैंग्वेज बोलते थे, गांव से आए थे एक ही तरह की, जैसे अभी जैसे सीधी सी बात है, यूपी वाले कहीं बाहर इकट्ठे होंगे तो यूपी में अपनी बात भैया भैया बात करेंगे, ठीक है, उड़ीसा के लोग उड़िया बात के, बंगाली इकट्ठे हो जाते, कहीं देखना, मैं तो आर्मी में रहा हूँ, मैंने बहुत जगह देखा है, हर जगह हर स्टेट के लोग ना अपना अपना ग्रुप बना लेते उसी में बात करते। महाराष्ट्र में तो इतना बुरा हाल है, तुम जाके वो तुम बात कर रहे हो, दो तीन लोग बात कर रहे हो आपस में इंग्लिश हिंदी जिसमें बात है, उनमें एक मराठी है, एक और मराठी आ गया, वो दोनों मराठी में शुरू हो जाएंगे दूसरी, मतलब तो इतना भी पोलाइटनेस नहीं है भाई, ऐसी लैंग्वेज बात करो जो बाकी लोग खड़े वो भी सुन ले क्या बात है। तो हर जगह ये चलता है, तो इन लोगों के अंदर भी वो बातचीत शुरू हो गई, वर्कर्स के अंदर भी बोलने लगा, अच्छा ठीक है यार, इतना पे ये तो गलत हो रहा है हमारे देश में, हमारा तो कंट्री ऐसा होना चाहिए, हमारा तो कंट्री वैसा होना चाहिए। ओके, एक बंदा था अर्नेस्ट रेनॉन, इस बंदे ने एक नेशन स्टेट की एक वो दे दी, डेफिनेशन दे दी कि भैया नेशन एक ऐसी चीज है, रोजाना उस पर टिक लग रहा है कि हाँ ये अच्छी चीज है, प्लेबिसाइट समझ रहे हो, जनमत संग्रह, यानी कि लोगों का व्यू ओपिनियन, तो ये वैलिडेशन है, एक नेशन जो है लोगों के व्यू का वैलिडेशन है कि हाँ एक नेशन अच्छी चीज होता है, मोनार्की खराब चीज होती है। लिबरल नेशनलिज्म की बात कर ली हमने, प्रूशिया, अच्छा मैंने क्या बताया था तुम्हें, फाइनली दो ज्वेलवेरिन में सिर्फ फाइनली दो बची थी अपना करेंसीज, 30 से लेकर 2 पे आ गए थे, वो मैंने लिख दिया है, पर्शियन थेलर था और गुल्डेंस करके, दो दो बची थी, ध्यान रखना नोट्स में है तुम्हारे पास ये, मैं आज फिर नोट भेज दूंगा, ये वर्ड ये आ सकता है, हालांकि किसी बुक में नहीं दिया हुआ है ना, आर्यहंत में मिलेगा, तो मैं ये तो मैं जब रिसर्च करता हूँ कोई अपने चैप्टर की कभी सर, कभी निकालता हूँ, क्यानी क्यानी अर्यंत में ये नहीं है जो वर्ड, प्रूशियन थेलर और गोल्डन, ये दो करेंसी फाइनली ज्वेलवेरिन के पास ने जो रखी थी, बाकी सबको हटा दिया था, उनका नाम है प्रूशियन थेलर एंड गोल्डन, ठीक है दोस्तों। ओके, 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म उठ के आएगा, जब लोग बोलेंगे नहीं राजा अच्छा है, चर्च अच्छा है, बट वो थोड़े बहुत काम किए थे ना नेपोलियन ने, वो जो कराया था रिफॉर्म कराया था, वो थोड़ा इकोनॉमी पे ध्यान दिया था यार, वो तो कर ले, तो ये कंजर्वेटिज्म नहीं है, ये न्यू कंजर्वेटिज्म, ठीक है दोस्तों। चलो आज की इसको मैं यही रख रहा हूँ, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ अभी तुम लोगों के साथ फटाफट, आप प्लीज गाइस गो थ्रू दिस, कहाँ है गाइस, प्लीज वेट, आई विल सेंड द लिंक, देयर इज स्लाइट डिले। ये द अगली क्लास वालों का पहले आ जाता मैसेज, ओके वेट करना एक मिनट, अभी मैं मीट ग्रुप में ही डाल रहा हूँ यार, टाइम कम है। ओके, 10th SST हिस्ट्री, ओके ये सारे के सारे डाल रहा हूँ, फटाफट कर लेना, क्वेश्चन बैंक वगैरह, और वो मेरे से पूछना है अगली क्लास में कि सर ये मेरे को नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आया, समझाओ मेरे को, समझ गए, तभी होगा अच्छा मार्क्स, तभी आएंगे। कितने क्वेश्चन बैंक हैं, सब आ गए हैं तुम्हारे पास, लो ठीक है, कल इसको रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे से पूछो, किसी भी जरूरी नहीं क्या हिस्ट्री, जो भी तुम्हें चल लगता है कि करवाना है करवा दो, ठीक है। चलो अभी मैं आई एम एंडिंग द क्लास, टाइम हो गया, चलो बाय 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 बाय।